हम एक शो कर रहे थे 9-10 साल पहले, शो का नाम था एक दूसरे से करते हैं प्यार हम। शो तो बंद हो गया लेकिन ये रिलेशनशिप बंद नहीं हुआ, एज यू कैन सी। सो हाँ, वहाँ मिले थे हम लोग और उस शो में हम भाई बहन बने थे, वो भी जुड़वा जुड़वा भाई बहन बने थे। एक्चुअली हम दोस्त ही थे जब मतलब वी स्टार्टेड आवर रिलेशनशिप दोस्ती से। तो धीरे धीरे कब एहसास हुआ, जब आई थिंक एक और मतलब कोई और आर्टिस्ट भी आए थे और मुझे एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंस मिलता था शो में, क्योंकि मेरे 3 भाई थे शो में और मैं अकेली एक छोटी बहन थी सबसे, और एक्चुअली हम दोनों सबसे छोटे थे। और जब मुझे लगा कि यार कोई नए लोग आते हैं तो ये लोग सब उनसे बात करते, मुझे अटेंशन क्यों नहीं मिलता, और बाकी जब अटेंशन कुछ दूसरे लोगों को दे रहे थे तो मुझे कोई प्रॉब्लम था, लेकिन इसका जब अटेंशन दूसरे लोगों पर जा रहा था तो मुझे लगता था कि मेरे से ही बात कर, तो मुझसे ही बात कर। तब मुझे लगा कि नहीं, ये नॉर्मल दोस्ती में नहीं होता और शायद मुझे और कुछ फीलिंग है उसके लिए। तो ऐसा हुआ था हमारा। और मेरे लिए तो मतलब जब मैं इससे मिला, यू नो, पहली एक दो बार में तो ज़्यादा समझ में नहीं आता है, बट उसके बाद जब हमने बातचीत शुरू की और हम दोस्त बने, तो मुझे तब से ही लगता था कि मतलब अगर हम इतने अच्छे दोस्त इतनी जल्दी बन सकते हैं तो अगर हम साथ में रहे तो क्या बात होगी, मतलब लाइफ में सेट हो जाएगा, कुछ टेंशन ही नहीं होगा। लेकिन उसने मुझसे कुछ बात नहीं की, कुछ बोला नहीं था। मैंने उसको जब बोला ना कि मेरे को कुछ हो रहा है जब तू इससे या इससे बात करता है, तब उसने मुझे, हाँ मुझे भी कुछ होता है, मतलब ही वाज वेरी कन्वीनिएंट कि ये बोले कि मैं शर्मीला हूँ, तो मैं बोल नहीं पाया, तो थैंकफुली इसने, शी वाज नॉट एज शर्मीली एज मी, तो इसने बोल दिया, तो थैंक गॉड फॉर दैट। नहीं यही था, मतलब जब हम दोस्त थे और हम बात करते थे, तो इसने मुझे कम से कम 100 बार बोला है कि मैं एक्टर से तो कभी शादी करूंगी नहीं, मुझे तो एक्टर चाहिए ही नहीं। और मैंने इसको कम से कम 100 बार बोला है कि नहीं, मैं तो शादी ही नहीं करूंगा, मुझे शादी करनी ही नहीं है। बट यही बात है कि जब हम एक दूसरे से, हमारी दोस्ती हुई, हमारा प्यार हुआ, तब हमें लगा कि अब हम, भले मैं एक्टर हूँ, भले मुझे शादी नहीं करनी है, लेकिन एक दूसरे के बिना हम नहीं रह सकते। मतलब मुझे लगता है कि मैं इसके बिना नहीं रह सकता, ऐसे लगता कि मैं, शी कांट लिव विदाउट मी। तो वो सारी जो हमारे प्लान्स थे ना, वो सब उल्टे हो गए और गॉड ने जो हमारे लिए चूज किया था, फाइनली वो प्लान इन मोशन। बट आई थिंक यही होता है, हम कितना भी क्यों ना कुछ भी प्लान करें, जो हमारी डेस्टिनी में है वो ही होता है और वो ही हमें सबसे ज्यादा खुशी देता है। ट्रू। ऐसा कोई प्रपोजल नहीं था, प्रपोजल नहीं है, ये आंखों ही आंखों में इशारा हो गया, वैसी वाली बात हो गई थी। हाँ, मैंने उसको बोला कि तुम इससे बात कर रहे हो ना तो मुझे नहीं अच्छा लग रहा है, पता नहीं क्यों। तो उसने बोला कि तुम्हें इसलिए नहीं अच्छा लग रहा क्योंकि यही बात होगी और मैं भी यही फील करता हूँ। तो बस ऐसा ही प्रपोजल हो गया, लेकिन वो जो टिपिकल प्रपोजल बोलते हैं वो नहीं हुआ, बस बात समझ गए हम दोनों। कि मतलब मैंने इसको कभी ऐसे नहीं बोला कि मैं तेरे लिए चांद तारे तोड़ लाऊं, ये सब नहीं, सब नहीं बोला, बट अगर जरूरत पड़ी तो ले भी आऊंगा। नहीं, मुझे थोड़ा सा जल्दी ही पता चल गया था, क्योंकि हम दोनों को, इनफैक्ट हम दोनों ने बहुत जल्दी ही तय कर लिया था कि हमें शादी करनी, इसके लिए हमने एंगेजमेंट भी बहुत जल्दी ही कर ली थी। और ये तो तय था कि मतलब शादी तो कब करनी है, बस ये फिक्स नहीं हुआ था, उसके अलावा ये तय था कि शादी तो करनी है और एक दूसरे के साथ ही करनी है। मेरे पेरेंट्स तो इसके पीछे लट्टू है, मेरे पेरेंट्स के लिए तो मतलब जब ये होती है ना, तो मेरे पेरेंट्स, मुझे लगता है कि मुझे उन्होंने गोद लिया है, ये उनकी बेटी है, ऐसा मुझे लगता है। तो मेरे पेरेंट्स को तो कुछ भी मुझे वो करने की जरूरत ही नहीं थी, और इसकी तरफ से भी द फैमिली इज सो वेलकमिंग एंड लविंग कि कभी ऐसा कुछ मतलब फिल्मी ड्रामा हुआ ही नहीं, कुछ फिल्मी ड्रामा हुआ ही नहीं, अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली आई डोंट नो। हाँ, ड्रामा होता तो थोड़ा अच्छा लगता है, लेकिन एवरीवन वाज सो वेलकमिंग एंड एक्सेप्टिंग कि हमें ऐसा कुछ भी, बट मजा आता थोड़ा बहुत कि नहीं ये नहीं, हाँ, ये नहीं हो सकता, ये सब कुछ भी नहीं हुआ हमारे साथ। बट हम आई थिंक व्हेन वी टेल आवर किड्स, हम कुछ ऐसी स्टोरी बना लेंगे ना, कुछ इंटरेस्टिंग करने बोलने के लिए कुछ बना लेंगे, हम कहानी बना लेंगे, लेकिन बहुत ही इजी और स्मूथ रहा हमारी एक्चुअली। मैं तो लाइफ में ही मतलब मेरा एक्साइटमेंट क्वोशेंट एकदम इतना सा है, मेरे लिए मतलब सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट मतलब वाओ, बस दैट्स माय आदि, हमें 50 करोड़ मिल गए हैं, वाओ आदि, तुम्हें तो डेफिनेटली उसमें थोड़ा ज्यादा होगा, कोई बच्चा जैसे होगा कि आदि हमारे घर लड़का हुआ तो वाओ, बस इसको वाओ से ज्यादा नहीं। और मुझे और इसको मतलब छोटा सा भी, तन्वी हमारी गाड़ी का टायर पंक्चर था ना, वो फिक्स हो गया, वाओ थैंक गॉड, सो शी इज लाइक दैट, सो ऑफ कोर्स हर चीज में इसका एक्साइटमेंट सबसे ज्यादा रहता है।
एक्चुअली मैंने डिसाइड की थी कि मैं हम लोग ने एक्चुअली डिसाइड किया था कि हम सिर्फ कोर्ट में जाके साइन करेंगे, तो मुझे लगा मैं अपनी मम्मी की साड़ी पहनूंगी अच्छा लगेगा, तो उस हिसाब से मैं आदि के कपड़े लेके आई थी कि मैं ये वाला कलर पहनूंगी तो तू ये वाला कलर पहन। उसके बाद मेरी दिमाग की बत्ती जली, मुझे लगा नहीं मुझे नहीं बना मम्मी की साड़ी, मैं कुछ अपना ही बनाऊंगी। फिर मैंने एक साड़ी बनवाई, पेंट करवाई, जिसमें आदि और मेरा फोटो मैंने पल्लू पे पेंट किया था। फिर मैंने वापस उसके बेचारे के कपड़े बदलवाए कि नहीं नहीं ये जा नहीं रहा है मेरी साड़ी के साथ। तो हाँ मतलब जो भी है, हम लोग ने सिर्फ कोर्ट में शादी की, लेकिन मुझे लगा कि कुछ स्पेशल होना चाहिए और उस हिसाब से मैंने अपनी अपने लिए एक साड़ी बनवाई और आदि के लिए भी उसके मैचिंग मैचिंग कपड़े बनवाए। हमारा ड्रीम ये था एक्चुअली कि हम शादी करें चुपचाप और हमें मतलब सबके सामने 6 घंटे स्टेज पे खड़े रह के स्माइल ना करना पड़े, ये हमारा ड्रीम था एक्चुअली। क्योंकि हम मतलब आप देख भी सकते हो हम लोग इतने अलग पर्सनालिटीज है, लेकिन हमारा ये ड्रीम्स दोनों का सेम था कि नहीं तामझाम नहीं करना है, धीरे धीरे चुपचाप कोर्ट में जाके साइन कर लेंगे। लेकिन जब हमने अपनी फैमिली को बताई, उन्होंने कहा नहीं ये होना चाहिए वो होना चाहिए, तो थोड़ा बहुत उनको सबको खुश करने के लिए हमने किया। लेकिन अभी हमें रियलाइज हो रहा है कि अच्छा हुआ हमने ये वो थोड़ा बहुत किया, क्योंकि हम खुद ही इतने खुश हो गए वो सब करके। सो या थैंक यू बोलना चाहेंगे, कितना प्यार मिल रहा है हम लोगों को यहाँ से, इट्स रियली वेरी ओवरवेलमिंग। तो थैंक यू सो मच फॉर सो मच लव। थैंक यू थैंक यू।